वीडियो के नीचे दिए गए इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट गाइड एंड टेक न्यूज इन हिंदी को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो अभी वैकेंसी आई है महिला सुपरवाइजर के पदों पे। आज इस वीडियो में हम महिला सुपरवाइजर का पूरा सिलेबस जानेंगे और सिलेबस के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी गाइड आप पढ़ें जिससे कि आप एग्जाम आराम से फाइट कर सकें। तो इस वीडियो में हम सिलेबस प्लस बुक के बारे में जानेंगे जो हमें कौन सी पढ़नी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ले लेते हैं सिलेबस में, तो पहला बिंदु है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में कौन से बिंदु पूछे जाएंगे वो अब देख लेते हैं। तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपराएं एवं विरासत जो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान में पूछे जाएंगे। तो आप आराम से इसमें पूरा राजस्थान का जो जीके कवर होता है यहाँ बिंदु में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप राजस्थान के जीके के लिए सबसे बढ़िया आपके लिए जो गाइड रहने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं गाइड से पहले आपको बता दूँ कि आप राजस्थान का सामान्य ज्ञान अच्छी तरह कवर करना चाहते हैं तो क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो बुक आती है फ्रेंड्स, उसके सामान्य विज्ञान की जो बुक आती है उसका आप अध्ययन जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि उसी में से RSM SSV विभाग क्वेश्चन पूछता है राजस्थान जीके के, वहीं से लेता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बता देते हैं कौन सी गाइड आपके लिए सफिशियंट रहेगी। तो आप ये जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये लक्ष्य गाइड नाम से राजस्थान का जो जीके है वो इस लक्ष्य गाइड में पूरा कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप राजस्थान का सामान्य ज्ञान अगर कवर करना चाहते हैं तो अगर एक गाइड की बात करूं तो मैं आपको लक्ष्य गाइड जो आती है राजस्थान की वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उसमें पूरा राजस्थान का जीके कवर हो जाएगा। और मैंने अभी बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की क्लास 6 से 10th की जो सामाजिक विज्ञान की जो बुक आती है वो आप जरूर पढ़ें। इससे संबंधित मतलब अगर एक भी जीके का क्वेश्चन आपका इन जो मैंने बताई है गाइड प्लस ये बुक उससे बाहर नहीं। तो अगला बिंदु है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मरुस्थलीय प्रदेशों से संबंधित पूछे जाते हैं, अरावली पर्वत प्रदेश से पूछे जाते हैं और कृषि जलवायु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान के भूगोल में। तो जो मैंने अभी लक्ष्य गाइड आपको बताई है फ्रेंड्स उनमें इस बुक में ही राजस्थान का भूगोल भी दे रखा है, तो उसी में से राजस्थान का भूगोल भी कवर हो जाएगा और राजस्थान की जो इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं परंपराएं भी इस एक ही गाइड से पूरी कवर हो जाएगी। तो इस गाइड का आप अध्ययन जरूर करें राजस्थान के जीके के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दैनिक विज्ञान से संबंधित। तो दैनिक विज्ञान यानी बेसिक विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं बेसिक विज्ञान के सारे पॉइंट जो है वो टॉपिक दे रखे हैं यहाँ, आप पूरे देख सकते हैं। तो मैं साइंस के लिए आपको सबसे बढ़िया सजेस्ट करूँगा कि आप माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो क्लास 8 से 10th की जो बुक आती है साइंस की, सामान्य विज्ञान की, उसका स्टडी आप जरूर करें फ्रेंड्स। उसमें से क्वेश्चन 100% पढ़ेंगे इस विभाग की जो महिला सुपरवाइजर के पद हैं उनके लिए। अब आप कहेंगे कि साहब हमें तो एक गाइड बताएं, तो मैं आपको गाइड अब बता दूँ कि गाइड कौन सी आप पढ़ें जिससे कि आप आराम से कवर कर सकें। मैं सामान्य विज्ञान के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ्रेंड्स लुसेंट के नाम से, लुसेंट सामान्य ज्ञान के नाम से एक बुक आती है जिसमें लगभग आधा हिस्सा सामान्य विज्ञान का आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक आप ले लीजिए, उसके आधा पेज के बाद में जो जितने भी क्वेश्चन है वो बेसिक साइंस के क्वेश्चन है, इसी में से बेसिक साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लुसेंट सामान्य ज्ञान के नाम से जो बुक होती है वो आप सामान्य विज्ञान के लिए आप खरीद सकते हैं, महिला सुपरवाइजर के लिए बढ़िया रहेगी ये बुक आपकी गाइड। और क्लास जो 6 से 10th की जो मैंने माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो बुक बताई है साइंस के लिए, विज्ञान की मतलब, उसकी स्टडी भी आप जरूर करें। अगला पॉइंट है सिलेबस में वो है गणित से संबंधित यानी मैथ। मैथ के लिए आपको क्लास 10th से संबंधित ही मैथ आपको पूछी जाएगी, ज़्यादा डीपली नहीं पूछी जाएगी। तो मैथ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो क्लास 10th की जो क्लास की जो मैथ की बुक है, आप मैथ की वो बुक अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी मैथ आराम से कवर हो जाएगी, क्योंकि मैथ में जो बिंदु है यानी जो टॉपिक है वो है लाभ हानि, साधारण बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, चाल और कार्य, आंकड़ों, माध्यमिका, यानी कि जो सामान्य जो बेसिक जो मैथ आती है वही क्वेश्चन आपको इसमें महिला सुपरवाइजर में पूछे जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा माध्यमिक शिक्षा विभाग की 10th की जो बुक आती है मैथ की आप वो पढ़ें।
साहब आप कहोगे कि हमें गाइड जरूर बताएं, तो गाइड की मैं अगर बात करूं एक स्पेशल गाइड की, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए गाइड सफिशिएंट कौन सी रहेगी। तो ये गाइड जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अंकगणित के नाम से आती है ये बुक, और डॉक्टर आर एस अग्रवाल के नाम से जो मैथ की बुक आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डॉक्टर आर एस अग्रवाल की जो मैथ की बुक आती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बुक आएगी, ये बुक आप खरीद लीजिए मार्केट से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी एग्जाम में आपकी मैथ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, यानी आप आराम से मैथ कवर कर पाएंगे, चाहे महिला सुपरवाइजर हो या अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे बढ़िया रहेगी डॉक्टर आर एस अग्रवाल की मैथ की बुक। अगला टॉपिक पूछे जाएगा सामान्य हिंदी से संबंधित। सामान्य हिंदी में हिंदी की व्याकरण से संबंधित ही क्वेश्चन आने वाले, अदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं संधि है, संधि विच्छेद है, सामासिक पदों की रचना है, समास विग्रह है, प्रत्यय पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, शब्द शुद्धि है, यानी जो सामान्य हिंदी की जो व्याकरण है उससे संबंधित क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर में पूछे जाएंगे। तो वो कोई डीपली क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपको बढ़िया आपके सजेस्ट करूंगा कि एक बुक आती है जो सामान्य व्याकरण के नाम से, वो भी क्लास 6 से लेके 10th तक की जो व्याकरण से संबंधित माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो बुक आती है वो आप खरीद लीजिए। एक ही बुक आएगी वो, तो आप मार्केट से जाके उसको खरीद लीजिए, उससे आपकी सामान्य हिंदी आराम से पूरी की पूरी आपकी कवर हो जाएगी, आपको स्पेशल अलग से गाइड लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है फ्रेंड। तो हिंदी के लिए मैंने आपको बता दी एक बुक आती है माध्यमिक शिक्षा विभाग की, वो आप खरीद लीजिए, उससे आप हिंदी आराम से महिला सुपरवाइजर के लिए कवर कर पाओगे। अगला बिंदु हम ले लेते हैं जनरल इंग्लिश से संबंधित। जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इंग्लिश में भी जो है ग्रामर से संबंधित ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ग्रामर से संबंधित अगर हम बात करें, तो मैं ग्रामर के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10th की जो ग्रामर की बुक आती है माध्यमिक शिक्षा विभाग की, 10th की जो है ग्रामर की बुक आती है, आप वो जरूर आप अध्ययन करें। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका इंग्लिश का नहीं जाएंगे, सारे के सारे वहीं से कवर होंगे। तो इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्लास 10th की जो बुक आती है आप ले लीजिए किसी स्टूडेंट से या मार्केट से खरीद लीजिए, उसमें आपको ग्रामर जो दे रखी है वो आपको ग्रामर कवर करनी होगी, तो आपकी जनरल इंग्लिश पूरी कवर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको मैं पक्का सजेस्ट करता हूँ कि आप यही बुक पढ़े, कोई दूसरी बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अगर इन बुकों को पढ़ोगे, इस सिलेबस को ध्यान में रखें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी महिला सुपरवाइजर के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।